नमस्कार, वेलकम टू संजीव कपूर्स किचन। आप सबका मेरे किचन में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए कुछ मीठा बनाते हैं, और मीठा भी सब्जी के साथ। भाई सब्जी का इस्तेमाल मीठे में भी काफी होता है। अब चाहे वो परवल हो, दूधी हो, या फिर प्याज लहसुन, नहीं प्याज लहसुन से काफी कम बनता है। चाहे लहसुन की खीर मैंने खाई हुई है, बनाई भी हुई है, लेकिन वो नहीं बना रहा हूँ। गाजर से बनाएंगे और खजूर का उसमें इस्तेमाल करेंगे। चलिए क्या बनता है देखते हैं। एक हलवा सा बनाएंगे, लेकिन अलग हलवा है। तो ये पैन मेरे पास, नॉनस्टिक पैन, और इसमें थोड़ा सा घी, ज़्यादा घी नहीं डालेंगे। और ये मेरे पास गाजर। अच्छा देखिए, जो गाजर है वो कुछ लोग कहते हैं दिल्ली वाली गाजर। जी हाँ, वैसे आजकल गाजर जो है 12 महीने मिल जाती है, लेकिन नॉर्थ वाली जो गाजर है वो अभी भी सिर्फ सर्दियों में ही मिला करती है। तो ये वो गाजर है। अगर नहीं मिले तो जो ऑरेंज वाली कैरेट है उससे भी इसे बनाया जा सकता है। खैर, ये घी गरम हो चुका है, इसके अंदर ये जो गाजर ग्रेट की हुई, ये ले लेते हैं। गाजर के अंदर मॉइस्चर काफी होता है, गाजर में से मॉइस्चर निकालना है और पकाना है इसे। और गाजर जो है पकने के साथ साथ इसका जो रंग है ये भी और बढ़िया हो जाता है। अभी तो थोड़े से घी के अंदर इसे भून रहे हैं और उसके साथ साथ पकने देते हैं इसे हम। इस पर मैं ढक्कन लगाकर थोड़ी देर पकने देता हूँ ताकि ये अपने मॉइस्चर में पके। अच्छा, इसमें और क्या क्या डालना है? इसमें एक चीज़ हम डालेंगे और वो थोड़ा ज़्यादा ही डालेंगे, वो है ये डेट्स। डेट्स यानी खजूर। खजूर, बढ़िया खजूर लेकर आप उसके छोटे छोटे पीसेस काट लें। तो ये डेट्स और गाजर जो है पकनी शुरू हो गई। इसे थोड़ा सा रंग इसमें और बढ़िया करते हैं, और वो आएगा इसमें ये चीनी से। ये मेरे पास चीनी, ये चीनी इसमें डाल के। एक चीज़ मैंने देखी है, जब पहले गाजर का हलवा हम खाते थे जितना मीठा वो होता था, अब उतना मीठा नहीं खाते हैं। भाई मिठास जो थी चीनी से थी, चीनी कम हो गई तो उसकी मिठास अपने आप कम हो जाएगी। खैर, अगर आप ज़्यादा मीठा हलवा खाना चाहते हैं तो उसमें चीनी, जाहिर सी बात है, ज़्यादा ही लगेगी। लेकिन इस रेसिपी के अंदर, क्योंकि हम लोग इसे बना रहे हैं डेट्स के साथ, डेट्स में अपनी मिठास काफ़ी ज़्यादा होती है, तो बहुत ज़्यादा मीठा आप ना डालें इसके अंदर, क्योंकि डेट्स की भी नेचुरल मिठास होगी जो इसको मीठा करेगी। अब देखिए, चीनी के अंदर जो गाजर है उसका रंग भी बढ़िया हो गया है, और उसके साथ साथ थोड़ा सा दूध डाल सकता हूँ और दूध में इसे पकने दे सकते हैं। ये जो डिश मैं बना रहा हूँ इसमें गाजर, और जैसे मैंने बताया कि डेट्स थोड़ी ज़्यादा इसमें कटी हुई, अब क्योंकि इसके अंदर अभी मॉइस्चर है तो ये अच्छी तरह से मिल जाएगा। तो ये डेट्स कटी हुई, खजूर कटी हुई इसके अंदर, और अब इसे मिक्स कर लेते हैं। ये अब हमने डेट्स को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया, और अब इसके अंदर छोटी इलायची पिसी हुई। ये जो इलायची है वो एक ऐसी चीज़ है जो हमारे यहाँ पर मीठी चीज़ों में बहुत इस्तेमाल होती है, ख़ास तौर से खीर वगैरह, हलवे, उसके अंदर इलायची का बड़ा, बहुत बड़ा कमाल होता है। और अब ये देखिए, इसमें से जो मॉइस्चर है ये काफ़ी सूखने लगा है। गाजर जो है वो भी साथ साथ पक रही है, और इसमें नट्स डाल सकते हैं, काजू जो हैं इसमें डाल सकते हैं। हाँ, ध्यान रखें कैलोरी कंटेंट इसमें ज़्यादा होता है क्योंकि फैट ज़्यादा होता है, लेकिन फॉर्चुनेटली फिर भी नट जो हैं वो अच्छे माने जाते हैं। तो ये इसमें डाल दिया काट के काजू, और फिर इसके साथ साथ इसमें डालें ये बादाम। अब ये मेरे पास जो मावा है ये ले लेते हैं, और खोया इसके अंदर ये डालकर इसे मिक्स करना है। और ये देखिए, बढ़िया हलवा तैयार। बस इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें, थोड़ा सा पकाएं। मावा डालने के बाद ये थोड़ा सॉफ्ट होगा, तो इसे भून लें उसके बाद। और यदि आपको ऐसा हलवा अच्छा लगता है जिसमें गाजर एकदम नज़र ही नहीं आए, तो उसके इसमें दूध डालकर अच्छी तरह से पकाइए, गाड़िए, नहीं तो इस तरह से इसे बनाएं। और हाँ, जब आप खाएंगे तो इसमें गाजर के साथ साथ टेस्ट आएगा खजूर का, मिठास वही, नहीं मिठास थोड़ी सी पहले से बेटर। और ये जो हलवा है
नए जमाने का हलवा, घी एकदम कम लेकिन गाजर बहुत ज्यादा, टेस्ट भी और उसका कैरेक्टर भी। गाजर और खजूर का हलवा बनाने के लिए आपको लगेंगे 8 से 10 गाजर कद्दूकस किए हुए, एक बड़ा चम्मच घी, आधा कप चीनी, 2 कप स्किम्ड मिल्क, 3/4 कप बीज निकालकर कटे हुए खजूर, आधा छोटा चम्मच छोटी इलायची का पाउडर, 8 से 10 काजू कटे हुए, 8 से 10 बादाम ब्लांच करके पतले कटे हुए और आधा कप क्रम्बल्ड खोया। गाजर और खजूर का हलवा बनाने के लिए एक नॉनस्टिक कढ़ाई में घी गरम करके उसमें गाजर मिला लें, उसे ढककर 5 मिनट तक पकने दें। उसके बाद उसमें चीनी मिलाकर फिर से ढककर 2 या 3 मिनट तक पकाएं। अब इसमें दूध मिला लें और 6 से 8 मिनट तक और पकाएं। अब इसमें डालें खजूर, छोटी इलायची का पाउडर, काजू, आधे बादाम और मावा और इसे अच्छी तरह से मिला लें। अब इसे 10 से 15 मिनट तक या फिर सूखने तक पकाएं। इसे बचे हुए बादाम से सजा कर परोसें।